हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 15 सीखा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, जहां पर हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। यानी कि एक ट्रायंगल बना दिया गया है, उसके प्रॉपर्टी का यूज़ करना है हमें। और कौन सा प्रॉपर्टी, जो हमने इस वाले चैप्टर में स्टार्टिंग वाले वीडियो में आपको बताया था। और वो क्या होता है कि हमारे जो टू साइड होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, वो प्लस करने के बाद थर्ड वाले साइड से हमेशा ग्रेटर ही होते हैं। ठीक है, अगर वो ग्रेटर नहीं हो रहे, इसका मतलब कि वो हमारा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं वहाँ पर। तो वही वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये जो हमें बोल रहा है ना कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, यानी कि ए बी बी सी और ये सी ए जो है वो ग्रेटर होगा हमारे 2 ए एम से। यानी कि ये जो बीच वाला लाइन है हमारा ए एम, इससे ये ग्रेटर होगा। और यहाँ पर हमें यही बोला है कि जो ए एम है वो मीडियन है, बीच का एक लाइन है ट्रायंगल हमारे ए बी सी में। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। और उससे पहले बता दूँ कि जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए थे उनका लिंक, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना कॉपी में। ये देखो, मैंने डायग्राम भी बना लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए जब मैं सॉल्व करते जाऊँ। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, हमको देखो ए एम लाना है। ठीक है ना, यानी कि ये बताना है कि जो हमारा ए एम है वो क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम डबल भी कर लेते हैं तो भी वो छोटा होगा इन तीनों के प्लस करने से। तो हमको ए एम यहाँ पर लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखेंगे इस तरीके से हम कि इन हमारे ट्रायंगल ए एम बी में, ए एम बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए एम बी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में हमारा क्या होगा कि जो हमारा ये वाला साइड होगा और ये साइड होगा वो इस साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी कि हमने जो रूल पढ़ा है वही रूल आपको चाहो तो लिख भी सकते हो दोबारा से यहाँ पर आप, कि वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो हमने रूल बताया था आपको लास्ट वीडियो में, वही रूल चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट लिखना कि ए एम बी में हमारा ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ए एम बी, उसमें जो हमारा ए बी होगा, ठीक है, और उसको अगर हम प्लस कर देते हैं हमारा ये वाले से बी एम से, तो हमारा क्या आएगा, इक्वल हो जाएगा वो, सॉरी ग्रेटर हो जाएगा किससे, ए एम से। यही रूल है ना हमारा, कि हमारा जो ये साइड है और ये साइड है, कोई भी दो साइड ले लो आप, तो हम यहाँ पर ए एम को साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको ए एम लास्ट में लाना है, इसलिए हम ए एम को इधर ग्रेटर करके लिख दे रहे हैं कि हमारा जो ए बी होगा और बी एम होगा वो ग्रेटर होगा ए एम से। अभी स्टार्ट है, अभी देखो बहुत मजा आने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से प्रूव होने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर वाला ट्रायंगल को ले लेते हैं, यानी कि अब लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ए एम सी में, ट्रायंगल ए एम सी में। अब हमारे पास क्या है कि जो ए सी होगा और ये एम सी होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा ए एम से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे कि ए सी सी एम एम सी, कुछ भी लिख लो इसमें आप, प्लस में सी एम जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा हमारे ए एम से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको ए एम, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम सी एम क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में था ना अभी हमारे पास वही काम आने वाला है। बताता हूँ आपको कैसे काम आएगा। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया एक, और ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो। कैसे ऐड करना है, ऐसे यहाँ पर लिख देना आपको ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए बी प्लस में बी एम, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए सी प्लस में सी एम, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, इधर ए एम है और इधर भी ए एम है, तो ए एम प्लस ए एम से। यही इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ऐड करने का फायदा क्या है कि अब हमारा ए एम और ए एम कितना हो जाएगा, 2 ए एम हो जाएगा, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो बस हमको वही लाने की कोशिश करना है कि जो हमें प्रूफ में दिया हुआ है ना, उसी सेंटेंस को लाने की यहाँ पर, उसी क्वेश्चन को लाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ए बी तो हमारा ए बी ही रहेगा, ठीक है, ए सी हमारा ए सी ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर हमें जो इक्वेशन दिया हुआ था प्रूफ करने के लिए, वहाँ पर हमें बी सी दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर बी सी तो निकल नहीं रहा है, क्या क्या बन रहा है, बी एम बन रहा है और सी एम बन रहा है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक बी एम है, यहाँ से यहाँ तक सी एम है, तो हम क्या करेंगे कि बी एम और सी एम के जगह में पूरा पूरा टोटल क्या है, बी सी है, तो इन दोनों के बदले में हम लिख देंगे बी सी, यानी कि ए बी का ए बी रहने दो, ठीक है, ये हमारा ए सी का ए सी रहने दो। यहाँ पर इन दोनों के बदले में, यानी कि बी एम और एम सी के बदले में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर पूरा पूरा बी सी लिख देते हैं, तो प्लस में हो जाएगा ये बी सी, और वो हो जाएगा ग्रेटर, ये दोनों प्लस और क्या हो जाएगा, 2 ए एम से, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया यहाँ से प्रूव्ड कंप्लीट। देखा, आपने कुछ नहीं था, बस आपको रूल फॉलो करना है, यानी कि ये हमारे ट्रायंगल वाला रूल, कि हम जो पता है हमको ट्रायंगल का रूल, कि जो हमारे टू साइड होते हैं उनको प्लस करने के बाद वो ग्रेटर हो जाता है थर्ड साइड से। वहाँ से आपको इसमें से दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, और यही रूल देखो आपको पूरे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए ना सभी में यही रूल हम फॉलो करेंगे और पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आप अच्छे समझ जाओ, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 बी सी में सॉल्व कर लेते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से वो भी सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, पहले आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, यहाँ पर हमें P जो है एक पॉइंट दे दिया गया है, यानी कि उसी तरीके से लाइन दे दिया है। डायग्राम देखो सेम टू सेम है, तो मुझे तो लग रहा है कि एकदम सेम सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि साइड जो है कि BC ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट P
पी है जो कि बी सी में एक पॉइंट बना हुआ है, तो वो देखो बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है और कुछ नहीं। बस आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें कि ए पी करके एक हमारे पास बीच में मीडियन दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, तो हमको वही फाइंड करना है जैसे पहले हमने फाइंड किया ना कि तीनों साइड हमारे पास ए बी ये वाला साइड, बी सी ये वाला साइड और ए सी ये वाला साइड, वो क्या होगा ग्रेटर होगा बीच वाले साइड से यानी कि ये वाले साइड ए पी के डबल से। तो जैसे हमने वहाँ पर सॉल्व किया सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करना है, बस वहाँ पर हमारे पास क्या था ए बी था और एम था, यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिया हुआ है बस पी दिया हुआ है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। ये हमारा डायग्राम है, देखो खुद से करने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आकर दोबारा से वीडियो देखना, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। वैसे तो ये आपने अगर फोर समझ लिया है ना तो फाइव तो एकदम सेम टू सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको खुद से ही करने की कोशिश करना। फिर भी कुछ बच्चों के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मान लो जिसको समझ में नहीं आया ना वो आकर के यहाँ से देख लेना और इसको समझ लेना, कुछ नहीं करना है आपको। फिर से इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेना यानी कि ए पी बी ले लेना है और इधर से ए पी सी ले लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल भी आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना देता हूँ, ट्रायंगल ए पी बी में, ट्रायंगल ए बी बी में हमारा क्या होगा ए बी अगर हम प्लस कर देते हैं एंगल ए साइड जो हमारा ए बी है और जो हमारा पी बी है, ठीक है, या फिर बी पी इसको लिख लो, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आएगा सॉरी ग्रेटर होगा, यहाँ पर मैं बराबर इक्वल का साइन लगा दे रहा हूँ, ये क्या होगा ग्रेटर होगा हमारे थर्ड वाले साइड से यानी कि ए पी से। और क्यों मैंने ए पी लिया इधर थर्ड वाले में, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि ए पी और बी पी प्लस करेंगे हम तो ए बी से बड़ा होगा, लेकिन हमको क्या करना है कि जब हम प्रूफ करें तो लास्ट में हमारे पास ए पी आना चाहिए, इसीलिए मैं ए पी को साइड में लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है बात ना। उसी तरीके से हम दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल हमारा कौन सा है ए पी और सी, ट्रायंगल ए पी सी में क्या होगा हमारे पास कि ये वाला साइड और ये वाला साइड प्लस करेंगे तो हमारा ये साइड से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कि हमारा जो ए और सी है उसको अगर हम प्लस करें हमारे पी सी से तो हमारा कितना आ जाएगा ए पी आ जाएगा, फिर से इक्वल लिख दिया मैंने सॉरी ग्रेटर का बार बार साइन लगेगा यहाँ पर ए पी, क्योंकि यही हमारा रूल है कि जो ग्रेटर होता है हमारा थर्ड वाले साइड से, अगर हम टू साइड को आपस में प्लस करें तो हमेशा थर्ड वाले साइड से ग्रेटर ही निकलता है, ये रूल है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन फिर से मिल गया, सेम टू सेम यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर लिख लेना आपको ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लो, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए बी प्लस में बी पी फिर प्लस में ए सी और फिर प्लस में ये हो जाएगा हमारा पी सी, ये वाला पूरा इधर वाला लेफ्ट साइड वाला पूरा पहले हमने प्लस में लिखना है, उसके बाद फिर ये ग्रेटर का साइन लगाना है आपको और ए पी और ए पी, तो यहाँ पर ए पी प्लस में ए पी इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए बी मिल ही गया ए सी मिल गया, लेकिन ये जो बी पी है और जो पी सी है कौन कौन सा है, ये है बी पी और यहाँ से यहाँ तक पी सी, और टोटल अगर हम इसको लिखना चाहें तो दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं हम बी सी, तो इन दोनों की जगह हम फिर से नाम दे देंगे इसका बी सी, ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी जो होगा ग्रेटर हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा हमारा टू ए पी से। देखा आपने जो सेम टू सेम हमारा फोर था उसी तरीके से सेम होगा, बस वहाँ पर एम था यहाँ पर पी है और कुछ चेंज नहीं है, कितना सिंपल था। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, सबसे ईजी वे मैंने बता दिया है, बुक वाला अगर आपको ईजी लगता है तो बुक वाला से भी आप बना सकते हो, जो ईजी लगे आपको वो मेथड बनाओ, मैथ सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये हमारा फोर और फाइव सॉल्व, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स भी सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।